दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे सेंट बर्नार्ड की प्रॉब्लम के बारे में जो आपको फेस करनी पड़ सकती है जब आप सेंट बर्नार्ड को पालोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं डॉग्स बायोग्राफी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हर डॉग की फैक्ट्स होती है वैसे हर डॉग की प्रॉब्लम भी होती है। तो आज हम 10 प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो सेंट बर्नार्ड की है। प्रॉब्लम नंबर 1, टेम्परेचर। तो सेंट बर्नार्ड स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं और इन्हें सिर्फ ठंडी पसंद है। अगर आप इन्हें गर्मी में रखोगे तो ये एक साल के अंदर मर जाएंगे और ये इंडिया के वेदर के हिसाब से बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो अगर आपको सेंट बर्नार्ड इंडिया में पालना है तो आप इसे ठंडी जगह पर ही रखें जहाँ पर ये आराम से कम्फर्टेबल रहे। प्रॉब्लम नंबर 2, शेडिंग। तो सेंट बर्नार्ड लार्ज ब्रीड साइज़ की डॉग ब्रीड होती है और ये डबल कोट भी होते हैं, तो इनके बाल शेडिंग सीजन में या गर्मी में बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो आप इसे रोज़ रेगुलर कंघी करें और अगर आपको लग रहा है कि बाल इसके ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। प्रॉब्लम नंबर 3, 5 किलोमीटर वॉक। तो सेंट बर्नार्ड को हमेशा हर रोज़ 5 किलोमीटर वॉक की ज़रूरत होती है। तो अगर आप आलसी है तो आप सेंट बर्नार्ड को मत पालो, या फिर आप एक नौकर रख लो जो रोज़ उसे 5 किलोमीटर की वॉक कराए। प्रॉब्लम नंबर 4, प्लेइंग विद डॉग। अगर आप एक डॉग चाहते हैं जिसके साथ आप खेले कूदे मस्ती करें तब आप सेंट बर्नार्ड को मत पालो, क्योंकि सेंट बर्नार्ड को एक जगह में बैठना और सोना ही ज़्यादा पसंद है। प्रॉब्लम नंबर 5, अलोन। तो सेंट बर्नार्ड को घर में अकेला रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं। तो अगर आप इसे घर में अकेला छोड़ोगे तो या तो ये हॉलिंग करेंगे या रोएंगे, और आप और ये आपके घर की चीज़ों का नुकसान भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए अकेला छोड़ोगे तो ये खाना भी नहीं खाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 6, हेल्थ प्रॉब्लम। तो सेंट बर्नार्ड को हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे हाइपरप्लाज़िया, बोन कैंसर और बोन प्रॉब्लम। बोन प्रॉब्लम के बारे में मैं बाद में बात करते रहूँगा। बाकी जो 2 प्रॉब्लम हैं, हाइपरप्लाज़िया और बोन कैंसर, ये प्रॉब्लम हर डॉग ब्रीड को होते रहती है। तो आप अपने डॉग को हमेशा रेगुलर हर मंथ रूटीन चेकअप के लिए ले जाएं। प्रॉब्लम नंबर 7, स्मॉल अपार्टमेंट। तो सेंट बर्नार्ड लार्ज ब्रीड साइज़ और डबल कोटेड डॉग ब्रीड होती है, ये स्मॉल अपार्टमेंट में कंफर्टेबल नहीं रह सकती। अगर आपके पास स्मॉल अपार्टमेंट है और आप सोच रहे हो कि मैं सेंट बर्नार्ड को पाल लेता हूँ और उसे सुबह शाम वॉक कराऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। सेंट बर्नार्ड को एक जगह बैठना और सोना ज़्यादा पसंद है, तो अगर वो सो नहीं पाएंगे कंफर्टेबल तो फिर वो कैसे रह पाएंगे, आप बताओ। प्रॉब्लम नंबर 8, एक्सरसाइज। तो सेंट बर्नार्ड को हर रोज 5 किलोमीटर वॉक के साथ एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप इसे अच्छे से एक्सरसाइज कराएं ताकि ये थोड़े फिट रहे और तंदुरुस्त रहे। प्रॉब्लम नंबर 9, ट्रेनिंग। तो सेंट बर्नार्ड थोड़ा आलसी होते हैं, इनको ट्रेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसे यूट्यूब की वीडियो देख के ट्रेन नहीं कर सकते, तो आप इसके लिए कोई एक्सपीरियंस ट्रेनर हायर करें जिसको आता हो सेंट बर्नार्ड को ट्रेन करना, और बीच बीच में आप भी इसे ट्रेनिंग देते रहे ताकि आपका कहना माना सीखे। तो प्रॉब्लम नंबर 10, बोन प्रॉब्लम। तो सेंट बर्नार्ड के भारी भरकम शरीर का जो पूरा बोझ होता है वो उनके पैरों में आ जाता है। तो प्रॉब्लम नंबर 10, बोन प्रॉब्लम। तो सेंट बर्नार्ड थोड़े लार्ज ब्रीड साइज़ की डॉग ब्रीड होते हैं, जिसके कारण उनका पूरा बॉडी का वेट है वो उनके पैरों में आ जाता है। तो कुछ सेंट बर्नार्ड को पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बोन प्रॉब्लम। तो इसमें से कुछ सेंट बर्नार्ड चल भी नहीं पाते क्योंकि उनको पैरों में दर्द होता है। तो अगर आप सेंट बर्नार्ड पाल रहे हो तो आप उसे जब बचपन की जब वो होंगे तब आप उसे कैल्शियम की जो सिरप आती है वो पिलाएं, ताकि उनका बोन स्ट्रांग हो और आगे जाके उनको ये प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यही थी 10 प्रॉब्लम ऑफ सेंट बर्नार्ड। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए रोज़ रेगुलर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। धन्यवाद, अलविदा मेरे दोस्तों, दुआ में याद रखना।